इसका हिसाब चाहिए, क्या मांगे? मुझे ये चाहिए कि जो बोल रही है मैम, बच्चे ठीक है लेकिन बच्चे हैं कहाँ? बच्चे हैं तो दिखाओ तो हमें सही से बच्चे कहाँ हैं? झांसी में इतने बड़े हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में आग के बाद हंगामा अब देखने को मिल रहा है। दरअसल कई परिजन अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। कल देर शाम हुए हादसे के बाद से कई मम्मी पापा अपने बच्चों को देख तक नहीं सके हैं, ना उनको लेकर कोई जानकारी उन्हें मिल पाई है। वो दर दर भटक रहे हैं रात भर के इंतजार और सुबह सिवाय दावों के जब कुछ न मिला तो ये परिजन बच्चों से मिलने की जिद पर अड़ गए। गुस्साए लोगों ने मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया, अंदर जाने की कोशिश करने लगे और जब मेडिकल कॉलेज के गार्ड्स ने दरवाजे पर रोका तो मानो हंगामा शुरू हो गया। वहीं पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात थी। पुलिस के अधिकारी इन गुस्साए लोगों को समझाने में लगे दिखाई दिए। आपको बता दें कि झांसी में कल बड़ा हादसा हुआ, जिस वक्त भीषण आग लगी उसी वक्त NICU में करीब 54 बच्चे थे। ऐसे में आग की खबर से हर कोई कांप उठा। रेस्क्यू कर खिड़की तोड़कर किसी तरह से आग में फंसे बच्चों को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कम से कम 10 बच्चों की जान जा चुकी थी। अब तक कई बच्चों के माता पिता की कोई जानकारी नहीं, तो कई माता पिता अपने बच्चों की जानकारी के लिए दर दर भटक रहे हैं और अब लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एक तरीके से उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड को लगभग 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। इनमें कुछ परिवारों के बच्चे नहीं मिले हैं, जिससे उनमें आक्रोश है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, उन परिवारों ने भीड़ लगाई हुई है। यहाँ पर ये रोड जाम करने जा रहे थे लेकिन इन्हें पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक लिया है। मेडिकल गेट को बंद कर दिया गया, आप देख सकते हैं पीछे जो गेट लगा हुआ है इसे बंद कर दिया गया है, जिससे कि ये बाहर ना जा सके, बाहर ना जाए और यहाँ पर जाम ना लगाए। यहाँ पर इनकी लगातार एक ही मांग है कि जो बच्चे हैं वो उनको मिले, या फिर जितने बच्चे हैं उनके DNA जांच कराई जाए, जिससे कि उनके बच्चे उन्हें मिल सके। यहाँ पर आप देखिएगा ये जाम लगा हुए, पुलिस जो है तो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है, जिससे कि वो बाहर ना निकल सके। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उन्हें उनका उनका जान सके दर्द क्या है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? संतोष जी बताइए, आपका बच्चा मिल गया? नहीं मिला। कब से नहीं है? कितने घंटे हो गए हैं? 12-13 घंटे हो गए हैं। 12-13 घंटे हो गए हैं, कुछ बताया प्रशासन ने? जब कहीं नहीं आप लोग यहाँ घर क्यों आ गए? इसका हिसाब चाहिए, क्या मांगे? मुझे ये चाहिए कि जो बोल रही है मैम, बच्चे ठीक है लेकिन बच्चे हैं कहाँ? बच्चे हैं तब दिखाओ तो हमें सही से बच्चे कहाँ हैं? अभी तक बच्चे घर आए इमरजेंसी में चले, सबको दिखा रहे हैं। अच्छा होगा, भगवान सब का साफ तौर पर कहना है कि बच्चे जो है अभी तक लगभग 12-13 घंटे होने को जा रहे हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं दिखाई दिए। सही बात है कि जब बच्चे, एक माँ का दर्द क्या बीत रहा होगा, दिल पे क्या बीत रहा होगा जब उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। 12-13 घंटे हो गए घटना के, प्रशासन लगातार एक ही आश्वासन दे रहा है कि बच्चा, बच्चे मिल जाएंगे लेकिन वो उनकी एक ही मांग है कि बच्चे आखिर कब मिलेंगे। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, UP तक।